मुख्यमंत्री जी, विरासत में आपको साम्राज्य मिल सकता है, लेकिन विरासत ये जनता मालिक है। यह राष्ट्र सभी का है, इस राष्ट्र पर सभी का बराबर का अधिकार है। सत्ता में बैठना आसान है, लेकिन लोगों के विश्वास पर खरा उतरना बहुत कठिन है। और किसी तरह की घटना दुर्घटना हो या किसी तरह की बात हो तो आप संपर्क करें, जो नंबर जारी किया गया है। सेवक का भाव सेवा करने की मानसिकता नहीं रखे, मालिक बनने की मानसिकता बिहार की जनता कतई नहीं स्वीकार करेगी, इसका जवाब आपको मिलेगा। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के निशाने पर है। तो एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोल दिया है। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि उप मुख्यमंत्री जी, आपको तो सब कुछ विरासत में मिला है, लेकिन जनता मालिक होती है और एक ना एक दिन आपको सबक सिखा कर रहेगी। क्या कुछ कह रहे विजय सिन्हा, आप वो सुने। संवेदनशीलता होनी चाहिए सरकार की। सत्ता में बैठना आसान है, लेकिन लोगों के विश्वास पर खरा उतरना बहुत कठिन है। उप मुख्यमंत्री जी, विरासत में आपको साम्राज्य मिल सकता है, लेकिन विरासत ये जनता मालिक है। सेवक का भाव सेवा करने की मानसिकता नहीं रखे, मालिक बनने की मानसिकता बिहार की जनता कतई नहीं स्वीकार करेगी, इसका जवाब आपको मिलेगा। आपको बता दें कि इस दौरान विजय सिन्हा ने तमिलनाडु में फंसे बिहारियों को लेकर अपनी संवेदना भी प्रकट की। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्थिति भयावह है, अगर किसी को ज्यादा परेशानी है तो वो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे विजय सिन्हा। तमिलनाडु की घटना पर जो मजदूर यहाँ आए हैं उनसे भी हमने बातचीत किया है। लोग दहशत में हैं, हमने बताया भी है कि सरकार की टीम गई है, वहाँ की सरकार भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। किसी तरह के अफवाह में न पड़े और किसी तरह की घटना दुर्घटना हो या किसी तरह की बात हो तो आप संपर्क करें, जो नंबर जारी किया गया है, जरूरत पड़े तो हमारे नंबर पर भी बात करें। अपने बिहार के श्रमिकों का सम्मान के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए और जिस जिस स्टेट में हमारे ज़्यादा श्रमिक और युवा जाते हैं रोजगार के लिए, वो स्टेट चिन्हित है। पहले भी सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि हम पहल कर रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत है, इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। और बिहार के श्रमिक अपनी मेहनत और हुनर से पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, इसके कंपटीशन में लोग नहीं आ पाते हैं, इसलिए इसके साथ जो दुर्व्यवहार का वातावरण बनाता है ये कतई उचित नहीं है। यह राष्ट्र सभी का है, इस राष्ट्र पर सभी का बराबर का अधिकार है और एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की भाव से लेकर किसी भी राज्य का नागरिक रहता है, उसका सम्मान हो और उसको संरक्षण, उसका कोई शोषण दोहन न कर सके, अपमानित न कर सके, हर राज्य की जिम्मेवारी है। और जो राज्य ये जिम्मेवारी नहीं निभाता है, निश्चित तौर पर उस राज्य से, उस राज्य की बिहार की सरकार को बात करनी चाहिए। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे एक न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक माध्यम से देखें तो पेज को लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।